हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन वीडियो में देख लिया होगा हमारे सारे कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पे मैं इन ब्रीफ मैं सारे कोर्सेज को दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या कोर्सेज आने वाले दिनों में चलेंगे और अभी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे जो कोर्सेज हैं हमारे, उसको हमने इन चार पाँच कैटेगरी में बांट रखा है। सबसे पहले जो कोर्स है उसकी कैटेगरी है कि बेस्ड ऑन 5th to 12th क्लासेस। ठीक है, तो ऐसे कोर्सेज जो कक्षा 5वीं से लेकर के 12वीं की क्लासेस पे बेस्ड हैं, ठीक है, उनके सिलेबस पे बेस्ड हैं, उनके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे, कोर्सेज बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे, जेईई मेंस और एडवांस का कोर्स हो गया। दूसरा, AKTU का एंट्रेंस एग्जाम, जो कि UPTU के नाम से पहले एग्जाम कराता था, अभी उसका नाम UPSEE है, या BHU का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है। ठीक है, और पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता है, और JNV जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम फिफ्थ और एट्थ क्लास के लिए होता है। 10th का तो जो है वो मेरिट बेसिस पे होता है सिलेक्शन। CHS सैनिक स्कूल एंड NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, तो इन सब का जो कोर्स हम प्लान करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। ठीक है, तो सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगी। उसके बाद जो हमारी कोर्स कैटेगरी है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज है। इसमें हम सेमेस्टर में जो कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के, बेसिकली हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे, डिप्लोमा के भी कोर्सेज, कुछ कोर्सेज हम लेंगे। और उसमें कौन कौन सी ब्रांच होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर की हम बात करें, तो उसके सेमेस्टर कोर्सेज अपलोड करेंगे, और सिविल इंजीनियरिंग और IT। ठीक है, और उसके बाद अभी आते हैं डिफेंस कोर्सेज में, तो कुछ हम डिफेंस कोर्सेज को भी बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि NDA का एग्जाम होता है अप्रैल में, तो उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो हम बहुत जल्दी, ठीक है, उसको भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और CDS का एक एग्जाम होता है, तो अभी इसका प्लानिंग चल रहा है, पॉसिबल हुआ तो इसी बार से आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो फिर अगली बार से प्लान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कोर्स कैटेगरी है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बेस्ड ऑन 5th to 12th क्लासेस हो गया वन, उसके बाद ये दूसरी कैटेगरी, उसके बाद डिफेंस कोर्स तीसरी हो गई, उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है, ठीक है, ये क्या है कि ये इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल एंड सक्सेस स्टोरीज है। ऐसी सक्सेस स्टोरीज हम लोग सर्च करके आप लोगों तक लेके आएंगे, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ करने की। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी ये, आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, कि कौन कौन लोग हैं और उन्होंने क्या संघर्ष झेला है, क्या परिश्रम करके वो उस लेवल पर पहुंचे हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को भी कुछ करने की हिम्मत आएगी उससे। ठीक है, आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो ये करेंगे धीरे धीरे, इसमें बीच बीच में वीडियोज आती रहेंगी, इसकी ये अलग प्लेलिस्ट होगी, इसकी आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द एग्जाम्स, जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, ठीक है, वो चाहे 5th to 12th क्लासेस की हो गई, या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के हो गए, या फिर ऐसे ही डिफेंस, मतलब इन सारी कैटेगरीज के जो एग्जाम्स होते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम जिनके बेसिस पे आपको आगे सिलेक्शन मिलता है, उन सब की यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अभी ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसकी ये पहली वीडियो होने वाली है इस कैटेगरी की, सबसे पहले यही कैटेगरी की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम बताएंगे क्या, इसमें हम यहाँ से लेकर के भाई 5th से लेकर के 12th क्लासेस तक, ठीक है, कि जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या एग्जाम होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और उन एग्जाम्स में क्राइटेरिया क्या है उसकी पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। ठीक है, कब एग्जाम होता है, कब इसकी डेट शीट आती है, कब आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, सारी चीज़ें हम देखेंगे, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि 12th क्लास के बाद जब बच्चा पास होता है 12th क्लास, तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्पेशली हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, जो साइंस स्ट्रीम से मैथ लेकर के पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक करके जो एग्ज़ाम्स यहाँ पर मेंशन हैं, इनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड देन बाकी अदर जो एग्जाम्स हैं। ठीक है, और उसके साथ पैरेलल में जो बाकी कोर्सेज हैं वो चलते रहेंगे, जैसे जैसे पहले ये इसकी वीडियो, इस कैटेगरी वीडियो आएंगी नोटिफिकेशन की, उसके बाद आपको जो सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी किसकी, वो होगी इसकी जेई मेंस और जेई एडवांस्ड की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी वो है डेली करंट अफेयर्स, इसमें क्या अभी स्टार्ट नहीं हो रहा फिलहाल, लेकिन टारगेट है कि एक लगभग अप्रॉक्स एक महीने में इसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें चल रही हैं उसकी जानकारी आपको मिलेंगी। और उसके बाद दूसरी जो सीरीज है हमारी वो है एप्टीट्यूड सीरीज। एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर क्या होगा कि आपको जितने भी एप्टीट्यूड के अंदर कोर्सेज आते हैं, लाइक बेसिक मैथ हो गया, ठीक है ना, और बेसिक मैथ हो गया, और उसके बाद इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, और क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, और GS हो गया, जनरल साइंस, ठीक है, जनरल नॉलेज हो गया, GK, तो ये सारे कोर्सेज जो है वो हम कवर करते रहेंगे। जनरल नॉलेज तो लगभग इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका इस सीरीज में, ठीक है, फिर भी जो बचा रहेगा वो सारी चीज़ें जो है हम कवर करेंगे। तो बेसिक मैथ वाला पोर्शन हम अच्छे से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से, रीजनिंग हो गया, GS हो गया, और ये क्या है, इंग्लिश, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली सीरीज, जिसका नाम है
डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एग्जाम्स। ओके चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं कि अगर आपने अपनी 12th साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है तो क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि साइंस स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम है जो ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई रिसर्च एरिया में जाना चाहता है, कोई टेक्निकल फील्ड में कुछ अपना अच्छा काम करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें सोच करके और समाज में भी भाई साइंस के स्टूडेंट को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है साइंस को ऑप्ट करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो साइंस ग्रुप के लिए होती है ये कि 12th साइंस से करने के बाद आप लगभग लगभग सारी ब्रांच के या अदर ग्रुप के भी कोर्सेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और एडवांटेज के साथ ही साथ अगर हम कहें तो एक कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं तो ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप कब कैसे डिसाइड कर पाएंगे, ये आप तब डिसाइड कर पाएंगे जब आपको सारे जितने भी कोर्सेज हैं उसके बारे में पता है। ठीक है, कि हम 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, और दूसरी चीज़ कि आपका अपना इंटरेस्ट। ठीक है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका किस चीज़ में मन लगता है, क्या करते समय आपको बोरियत फील नहीं होती, जिसमें हमेशा आपका मन लगा रहे। सबसे पहले तो अपने आप को इवेल्युएट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि सबसे पहले जो कोर्स हम देखने जा रहे हैं वो है बैचलर डिग्री, तो आप किसमें किसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इसको बोला जाता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटेक। ऐसे ही क्या आता है, बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद बैचलर इन इंजीनियरिंग, जिसको बीई बोला जाता है, वो भी बीटेक जैसा ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं बैचलर ऑफ साइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीएससी। ठीक है, तो बीएससी आप बहुत सारी फील्ड है जिसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगर बोला जाए प्योर साइंस में, बीएससी इन प्योर साइंस, जैसे बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथ, ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस में बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी ट्रेवल, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, सीएस, बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर। तो ये बैचलर ऑफ साइंस के कोर्सेज हैं। तो अगर बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए की बात करें, ठीक है, किसकी बीए की बात करें अगर, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, बस लेकिन अगर ये ध्यान में रखा जाए कि साइंस बैकग्राउंड से हैं आप, तो कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जैसे बैचलर इन एनिमेशन। ठीक है, दूसरा आप हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, इस सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो आप ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, विजुअल परफॉर्मिंग। ओके, वैसे बहुत से सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप बीए कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एलएलबी का भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीए एलएलबी। तो ये रहे कुछ कोर्सेज जो आप बीए के अंदर में कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन में आप एनिमेशन, ठीक है, और आप डिज़ाइन, तो इस दो फील्ड में आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट बैचलर ऑफ मास मीडिया, किस फील्ड में कर सकते हैं आप मास मीडिया के अलावा। ठीक है, एक तो आपका भी मास मीडिया हो गया, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म,
एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें भी आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं। और उसके बाद केवल और केवल जर्नलिज्म से भी बैचलर की डिग्री आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ कोर्स जो आप बैचलर डिग्री के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारा बता पाना पॉसिबल नहीं है ऐसे। ठीक है, मैं केवल बस ऐसे मोटा मोटा सा हिंट आप लोगों को दे दे रहा हूँ। तो उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, आप डिप्लोमा के कोर्सेज कर सकते हैं, तो आप डिप्लोमा का भी कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आप लोग कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं बी फार्मा। ठीक है, अगर हम कॉमर्स लाइन में देखें, ठीक है, तो कॉमर्स के भी कुछ कोर्सेज आप कर सकते हैं, जैसे कि बी कॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स। किसमें भाई, अकाउंटिंग में और किसमें, तो बी कॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है बी बी ए एल एल बी, बी बी ए एल एल बी। ये जो कोर्स है कॉमर्स का, ये भी आप मैथ्स के स्टूडेंट्स के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा कि एक मैथ स्टूडेंट के लिए ट्वेल्थ के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इस सीरीज में, उसमें हम बताएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, और नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे जितनी रिप्यूटेड एग्जाम्स होते हैं, अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं, इनके बेसिस पे एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। आप स्टूडेंट हैं, गार्जियन हैं, या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करें, और जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं उनको जोड़ें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।